हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। आज हम चेक करेंगे कि व्हाट कम्स टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 7 डेज। 1 वीक की रीडिंग होगी ये, जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे उसके नेक्स्ट 7 डेज ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। एंड सेकेंड इज के जिस तरीके से पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से लोग कांटेक्ट करते हैं, मेरे व्यूवर्स, मेरे क्लाइंट, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडियंस अपनी जिस तरीके से प्राइवेट रीडिंग्स बुक करवाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन। प्राइवेट रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, और मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम हमें इस क्वेश्चन का आंसर कर दें, इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। बायो में मैंने अपने यूट्यूब का लिंक ऐड किया है, ठीक है। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने फैंस हैं, वो आके मुझे यूट्यूब पर कनेक्ट करें। तो अब हर किसी को तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन YouTube पे मैं लाइव सेशन करूँगी, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं लाइव सेशन में आप लोगों को आंसर कर सकती हूँ, ठीक है ना। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस चीज़ को कि हर पर्सन जो है प्राइवेट रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें यह है कि लाइव सेशन में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी, और जिन लोगों को मैं आंसर नहीं कर सकती हूँ तो आई रियली वेरी अपोलोजाइज के टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि उनके आंसर्स उनको कर सकूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स से, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, लास्ट वन द एम्परर। ओके, सबसे पहली चीज़ क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है मेरे पास, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ आप लोगों की जो एनर्जी शुरू हुई है वो हुई है, आपने अपने इमोशंस होल्ड बैक कर लिए हैं, अब आप स्टिल पोजिशन में बैठी हुई हैं, ठीक है, और बर्डन से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज में इस बर्डन के कार्ड से घबराइएगा नहीं, मैं साथ साथ इसको क्लैरिफाई भी करती जाऊंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, द हाई प्रेस्टिस। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द हायरोफेंट क्यों है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, द लवर्स। द एम्परर का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ नज़र आ रही है, नेक्स्ट 7 डेज में आपसे ये रेजोनेट कर सकती है। एक ऐसी सिचुएशन जिससे आपको मोटिवेशन मिली, एक ऐसा पर्सन जो आपको बुरी तरीके से बर्डनाइज करके गया, ट्रिगर करके गया, और आप इस सिचुएशन में अभी तक स्टक थे, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जब आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पे जा रही है तो एस ऑफ वॉन्स का कार्ड मुझे यहाँ पर यह बता रहा है कि अब आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद मेरे पास है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट का कार्ड बताता है कि लिटरली या तो आप मैरिज प्रपोजल जो है आपकी तरफ आया है, अब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अपने पैशन में कोई हायर अथॉरिटी मिल रही है कि आप किसी के टीचर बन सकते हैं, गाइडर बन सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं।
यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप लोगों को एडवाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अभी तक लाइफ से जो कुछ भी लेसन सीखा है उसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया फोर ऑफ कप्स ने, और फोर ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप अगर सिचुएशन में, यानी कि 24/7 आपके माइंड में कोई पर्सन है, पेज ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपसे वॉक अवे किया, झूठ बोला, चिटिंग की, बिट्रे किया, और ये आपका लव पार्टनर था जिसने आपसे वॉक अवे किया, बहुत ईगो के साथ डील किया इस पर्सन ने आपको, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपसे वॉक अवे करके गया, आपको डिप्रेसिव मूड में डाल के गया। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो रही है और आप न्यू बिगिनिंग के लिए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है, आप न्यू प्रपोजल की तरफ भी जा सकते हैं, और आप अपने करियर में भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है, ठीक है, तो जो फादर फिगर, जिस पर्सन ने इतने ईगोइस्ट बिहेवियर के साथ आपको डील किया, सेम पैटर्न मुझे आप अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि आप इस सिचुएशन में रहने के लिए नहीं हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर कि आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। आपकी फीलिंग्स की बात हो रही है, वर्कोहॉलिक, देखें जैसे मैंने बताया, डिस्पोंडेंस। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन लाने का सोचेंगे, ग्रोथ लाने का सोचेंगे, और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिगर वार्निंग दूंगी कि यहाँ पे मेरे पास डिस्पोंडेंस का कार्ड है। तो अपने आप को काम में इतना इन्वॉल्व नहीं करिएगा कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल ना रहे या अपनी लुक का ख्याल ना रहे, क्योंकि यहाँ पे वर्कोहॉलिक का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में भरपूर एफर्ट्स करने वाले हैं अपने काम को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, क्योंकि आप खुद को और अपनी फैमिली को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। डिस्कवरी, सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं, देखें डिस्कवरी है, अपने आप से पूछेंगे, अपने इनर वर्क से पूछेंगे, इनर सोल से पूछेंगे कि आपको अपनी लाइफ में और मज़ीद क्या चाहिए जिससे आपको राइट डायरेक्शन मिल सके। और इम्पेशेंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में एक्सपेंशन लाने के लिए बहुत इम्पेशेंस एनर्जी में आ जाएंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, यानी कि हर काम को जल्द से जल्द करना, फर्दर बेसिस पे उसको कंप्लीट करना। सेल्फ वर्थ, आप जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको आपकी सेल्फ बताई है, सेल्फ वर्थ बताई है, और यहाँ पे भी मेरे पास चक्रा से भी यही कार्ड आया है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा हो गया है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं या आप डिज़र्व करती हैं। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। रिजेक्शन एंड लास्ट वन वैनिटी, बॉटम डेक में आ रहा है मिस्टीजियम। देखें अभी तक जो कुछ भी आपसे छुपा हुआ था, नेक्स्ट 7 डेज़ में अचानक आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ ऐसी बातें जिसको आप डिस्कवर करना चाहते थे या डिस्कवर करना चाहती थी वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएंगी। किस तरीके से आपको रिजेक्शन दिया गया, किस तरीके से आपके साथ सेफ प्ले किया गया, कहीं ना कहीं आपके गाइडर, आपके एडवाइज़र, आपके स्प्रिट गाइड आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको यानी कि अपना पाथवे मिलता जा रहा है, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ इन नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अब आप लाइफ के जिस पार्ट में भी एंटर हो रहे हैं उसमें आप अपने आप को छुपा के चलना चाह रहे हैं, यानी कि लोगों को लग सकता है कि आप बहुत मिस्टीजियम हुए हैं, आप अपनी कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं हमसे, आप छुपा रहे हैं अपने आप को। तो आई थिंक ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की सोशल लाइफ भी चेक करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।